कुछ लोग बहुजनों माने केवल दलितों को समझते हैं, लेकिन बहुजनों माने मेरे साथियों इस देश का 90% समाज है जिसको इस मुल्क में खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, रहने के लिए मकान तक नहीं थे और बोलने और चलने का अधिकार नहीं था। ऐसे समाज के लोगों के लिए माननीय कांशीराम साहब मेरे साथियों 42,000 किलोमीटर साइकिल चला करके नारा दिया था कि बहुजन समाज के हमारे समाज के ऊपर जुर्म जाती नहीं होगी। लेकिन आज मेरे साथियों ना आपके डीएम है ना तो आपके सीएम है और जिसका नतीजा क्या हो रहा है कि आज नाबालिग समाज की बेटियों की आबरू दिन दहाड़े लूट ली जाती है। क्यों उसके ऊपर अनगिनत मेरे साथियों दुश्वारियां होती हैं। कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप साथियों पत्रकार बंधुओं? आप लोगों का पहली बार मैं स्वागत करता हूं और आज माननीय श्री कांशीराम साहब जी की 14वीं पुण्यतिथि है। बहुजन समाज सेवा संगठन एक हम लोगों ने सामाजिक संगठन बनाया है तो उसके तत्वाधार में आज माननीय कांशीराम साहब की जयंती मनाई गई है, अरे पुण्यतिथि मनाई गई है। और इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय श्री कांशीराम साहब ने जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प लिया था, हम समाज के लोगों से अपील करेंगे उनके सपने को साकार करने के लिए तन मन धन से सहयोग करने का काम करेंगे, उस सपने को मंजिल तक पहुंचाने का काम। उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है सर, उसके संबंध में जो है कानून व्यवस्था को लेकर के हल्ला हो रहा है और अपराध भी बढ़ रहे हैं, इस पर सर क्या कहेंगे? देखिए उत्तर प्रदेश में वर्तमान में तो कानून नाम का कोई चीज़ रह ही नहीं गया। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, आए दिन हत्या डकैती छिनैती बलात्कार हो रहे हैं और निश्चित तौर से आज ये प्रदेश अपराधियों का प्रदेश बन गया, सरकार का कोई अंकुश नहीं रह गया है। निश्चित तौर से आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता बड़े पैमाने पर बदलाव करना चाहती है कि ऐसी सरकार आए जो अपराधियों पर लगाम लगा सके और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके हर समाज के लोगों को इंसाफ दिला सके। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हैं मोहित राम मास्टर साहब, आपके कोमल कल्पनाओं द्वारा 500 जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।